सो हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्रिज पर। और गाइस, आज आप देख सकते हैं कि मेरे बगल में जो यहाँ पर लैपटॉप रखा हुआ है, ये जस्ट और जस्ट मैंने अपने यूट्यूब मनी से वाई किया है। अब इसमें कौन सा प्रोसेसर है, कितना रैम है, कितना SSD है, DDR है, क्या है क्या नहीं है, कितने रुपये में मैंने ये वाई किया हुआ है, मतलब A to Z आपको जानकारी मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो गाइस, आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और इसमें कार्टून आप बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो हमने जस्ट इसको लेने के बाद अपना कार्टून चैनल स्टार्ट कर दिया है, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आप कार्टून चैनल पर पहुंच जाओगे। तो गाइस, सबसे मैं चलता हूं इसके अपने PC के पूरे इन्फॉर्मेशन में। आप देख सकते हैं कि भाई डिवाइस नेम, डेस्कटॉप वगैरह कुछ है। प्रोसेसर इसमें है i5, जो कि भाई काफ़ी कमाल का एक प्रोसेसर है। अभी जो हमारा PC था जो हमने सेल कर दिया, आज अभी तक मैंने आपको वैसे बताया नहीं था कि जो PC है वो सेल कर दिया है, उसमें हमारा i3 था। तो गाइस, उसी कारण से किया था क्योंकि i3 और i5 में काफ़ी ज़्यादा फर्क रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये i5 प्रोसेसर हमारा है और यहाँ पर 4GB हमको रैम मिल जाती है इसके अंदर। ये डेल कंपनी का लैपटॉप है गाइस, 4GB की हमको यहाँ पर रैम मिल जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और 500GB इसमें हार्ड डिस्क है। जी हाँ, आप ये पूरा का पूरा यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। और गाइस, साथ ही मैं बता दूँ, देखिए यहाँ पर मैं अगर जाता हूँ माई PC पर, तो काफ़ी यहाँ पर देखिए कुछ मैंने अपने YouTube से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें जो है वो डाल के रखी हुई हैं। जैसे ये देखिए, ये टॉपिक है, ये जो मेरा वीडियोस है, ये थंबनेल वगैरह हैं, ये इंट्रो वगैरह है। तो ये इंट्रो भी कुछ इस तरीके का है गाइस, जो मैंने अभी PC से ही बनाया है। मेरे को बताइए कमेंट्स करके कि किस तरह का ये इंट्रो है। जस्ट अभी मैंने बनाया है फिल्मोरा से। जी हाँ, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई फिल्मोरा की, तो आप देख सकते हैं वंडरशेयर फिल्मोरा 11 जो कि लेटेस्ट है, इसको हम अभी यूज कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने YouTube के काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स जो है वो इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। तो गाइस, आप मेरे को बताइए कि ये लैपटॉप कैसा है, आपको कैसा लगा। वैसे काफ़ी छोटा सा ये वीडियो था। अब गाइस, मैं बात कर लेता हूँ इसके प्राइजिंग की। तो भाई, प्राइजिंग मेरे को ये बहुत ही कम है, जैसा कि मिला कम, ये अगर मैं बता दूं तो मेरे को 10K के आसपास ये मिल गया है। ये सेकेंड हैंड जो लैपटॉप है, ये न्यू लैपटॉप नहीं है। अगर गाइस मैं बात करूं इसके इस साइड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लगा हुआ है DVD राइटर, जो कि कुछ इस तरीके से बाहर आ जाता है और ये प्रॉपरली वर्क करता है। इसके साथ ही गाइस, इसमें एक microSD कार्ड डालने का है। यहाँ पर दो पोर्ट दिए हैं USB के, एक ये पोर्ट पीछे है, चार्जिंग पोर्ट पीछे है। इस तरफ भी गाइस मैं बात करूं तो हेडफोन जैक वगैरह काफ़ी सारे पोर्ट्स इसमें दिए हुए हैं। आगे इसमें एक microSD जो बड़ा वाला कार्ड रहता है उसको डालने के लिए सब कुछ दिए हैं। और ये देखिए, इस तरह के कुछ कंपोनेंट्स हैं इसके। और गाइस, मैं बात कर दूं यहाँ पर माउस की, जी हाँ, तो माउस में मैंने इसको यूज करके देखा, काफ़ी अच्छा ये वर्क कर रहा है इसका। मैं देखिए जैसे आपको कैमरे का दिखा देता हूँ गाइस, कि आपका इसका कैमरा किस तरीके का है। तो भाई, कैमरा तो इसका कभी चल जाता है, कभी नहीं चलता है। अब पता नहीं चलेगा या नहीं, अभी मैं बिल्कुल श्योर नहीं बोल सकता, समथिंग वेंट रॉन्ग एरर कोड भाई, यहाँ पर कैमरा इस टाइम पे वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए फिर कभी हम दिखाएंगे। वैसे कैमरा काफ़ी ज़्यादा ख़राब क्वालिटी का यहाँ पर है। और गाइस, वैसे बढ़िया लैपटॉप है ये, डेल का एल्टीट्यूड E6420 है। जी हाँ, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं डेल एल्टीट्यूड E6420, इसका मॉडल नंबर है E6420 एल्टीट्यूड। तो आप देख सकते हैं भाई, काफ़ी बढ़िया मेरे को तो लैपटॉप लगा। सो आई होप गाइस आपको ये शायद पसंद आ गया। अगर ये जस्ट मैंने पूरा का पूरा यूट्यूब मनी से बाय किया है, क्योंकि इस मंथ मेरा जो पेमेंट्स वहाँ से निकला था, तो पूरा का पूरा मैंने इन्वेस्ट कर दिया अपने लैपटॉप में। तो आप मेरे को बताइए कि मैंने सही किया या गलत किया, और आपके जो भी आचार विचार हैं मेरे को नीचे कमेंट्स में बता दीजिए। सो आई होप गाइस आपको, आशा करता हूँ कि ये पसंद आया होगा। अब काफ़ी जल्द यहाँ पर कार्टून ट्यूटोरियल और भी ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। सो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल्स पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। सो बस, तो मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।